हेलो फ्रेंड्स, माया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उपाय दिखाने वाली हूँ, तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबके घरों में तो छिपकलियाँ आती ही होंगी, हम उसको कैसे भगाए? छिपकली को भगाने का ऐसा जादुई नुस्खा आपको आज मैं दिखाऊंगी कि आप भी हैरान हो जाओगे। आप जानते हैं कि छिपकली बहुत ही जहरीली होती है, अगर खाने में पड़ जाए तो इंसान भी मर जाता है। तो इसको हमें घर से भगाने का अच्छा और सही तरीका होना चाहिए। तो आज हम छिपकली को हमेशा के लिए घर से भगाएंगे, ऐसा उपाय मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो छिपकली को भगाने के लिए बाज़ार में बहुत सारी दवाएं मिलती है, लेकिन हमारे घर में जो छोटे बच्चे हो तो वो दवा वो न खा ले, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बच्चे का डर न रहे ऐसा कोई अच्छा उपाय मैं आपको आज दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे साथीदार तपकीर ली है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, और मैंने लिया है रुई, टेप और झाड़ू, ये तो सबके घरों में होता ही है। तो आज हम छिपकली को भगाने के लिए घरेलू उपाय करेंगे। ये तपकीर गांव की औरतों दांतों में लगाती है, ये मेरा उपाय मुझे मेरी दादी ने बताया था, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा डिश में निकाल लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से दिखती है, देखिए मैंने निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब हम ये झाड़ू में से एक छड़ी निकाल लेंगे, इस तरह से हाथों की जितनी लंबी होनी चाहिए। अब हम थोड़ा कॉटन का रुई लेंगे और इस तरह से हम छड़ी में चिपका देंगे, इस तरह से घुमाकर। देखिए इस तरह से घुमाना है, देखिए हो गया ना, हमें कीड़ा जैसा दिखना चाहिए वैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब हमें इस पर इस तरह से करना है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कीड़ा जैसा वो दिखेगी तो तुरंत छिपकली उसको खाने पे दौड़ेगी, अगर उसे खा लिया तो शायद वो मर भी जाए, या तो उसको चक्कर आएगा तो नीचे गिर पड़ेगी। अगर उसको दूर से इसकी स्माइल आती है तो भी छिपकली हमारे घर में आती नहीं है, इसकी दुर्गंध से भी छिपकली भाग जाती है, घरों में रहती नहीं है। फ्रेंड्स, इसकी दुर्गंध 2 से 3 दिन तक रहती है। इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमारे बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, किचन की दीवार पर कहीं भी हमें छिपकली दिखाई देती है, हमें ये वहाँ रखना है। अब हम इसको कैसे रखेंगे तो मैं आपको दीवार पर चिपका कर दिखाती हूँ। इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप लिया है, अब हम इसको दीवार पर चिपकाएंगे, जहाँ छिपकली दिखाई दे वहीं लगाना है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से चिपका दी है, अगर अब छिपकली आएगी या तो उसका दुर्गंध से भी नहीं आएगी, आएगी खाएगी तो कीड़ा समझकर तो भी वो नीचे गिर पड़ेगी या तो मर जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको दीवार पर दिखाया उसी तरह हमें लगा देना है। फ्रेंड्स, इस ऐसे ही आप 2-3 बार करोगी तो छिपकली को ऐसे भगाएंगे कि दोबारा हमारा घर का रास्ता भूल जाएगी, ऐसे हम छिपकली को भगा सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त उपाय आपने YouTube पर देखा ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको छिपकली भगाने का आसान और सरल तरीका बताया, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।